देखिए आगे की तस्वीर बिल्कुल साफ है, फ्रांस में जांच हो रही है। फ्रांस से खरीदने वाले जो देश है वो भारत है। भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री, इन सब की भी जांच हो ताकि बिल्कुल साफ साफ स्थिति सामने आए। और आप देखेंगे तेजेंद्र जी कि इसमें कहीं ना कहीं भारत के वो बड़े नेता फंसते हुए नजर आएंगे, उनके चेहरे साफ साफ नकाब उतर के सामने आ जाएंगे कि इन लोगों ने भारत को ही लूटने का काम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यहाँ की जनता ने इनको भारत देश सौंपा था कि ये कुछ भला कर सकें, लेकिन सोने की चिड़िया को इन्होंने आज मिट्टी की चिड़िया भी नहीं छोड़ा, उसको खा गए। तो इस भारत में बहुत बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है इस भ्रष्टाचार का। देश में पूरी तरह से चर्चित मुद्दा बन गया है राफेल का मुद्दा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है राफेल डील के मामले में, क्या कहेंगे आप? पहले तो तेजेंद्र जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है, क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं है। ये मुद्दा तो 2016 से ही सुर्खियों में चला रहा है। जून में ही इस पर आरोप लगने लगे थे कि कहीं ना कहीं राफेल में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इसकी जांच भी चली। लेकिन फ्रांसीसी सरकार के वहाँ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर उस जांच को रोकने का काम किया। भारत में भी इस पर जोर शोर से खूब विपक्ष ने सवाल दागे, विपक्ष ने मांग की कि बोफोर्स घोटाले की तरह ही जो कांग्रेस की सरकार में बहुत चर्चित रहा था, अब केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो राफेल घोटाला किया है इसकी पाक साफ जांच हो और जो भी सच्चाई है वो सामने आए। लेकिन भारत में इसकी जांच ना होकर अब फ्रांस सरकार ने ये फैसला लिया है कि उसकी न्यायिक जाँच कराई जा रही है, और अब जो है कुछ परतें खुलती नज़र आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा फ्रांस सरकार के द्वारा। हाँ देखिए तेजेंद्र जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। सबसे पहले तो जोर शोर से भारत में ही उठा था, लेकिन भारत की सरकार ने इसको दबाने का काम किया। लेकिन जब फ्रांसीसी सरकारों को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, तो उन्होंने फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया है और 3 लोगों पर ये जांच बिठाने का काम किया है, जो पूर्व के राष्ट्रपति थे उन पर, पूर्व के जो अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे उन पर, और जो विदेश मंत्री थे उन पर, जो आज की डेट में रक्षा मंत्री हैं, उस समय सॉरी रक्षा मंत्री थे और आज की डेट में विदेश मंत्री हैं, इन 3 पर जांच बिठाई है और परतें खुलती नज़र आ रही हैं। और आप देखिएगा इसमें बड़े स्तर पर घोटाला सामने आएगा। और हम तो कहते हैं कि जिस तरह फ्रांसीसी सरकार ने यह कदम उठाया है, भारत को भी जल्द से जल्द ये जांच बिठा देनी चाहिए और इसकी पाक साफ जांच करा करके दोषियों को जेल भेजने का काम करे। बीजेपी में प्रवक्ता जो है समित पात्रा, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिला। देखिए अगर आप बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अलग अलग समय समय पर इन्होंने भ्रष्टाचार को खूब बढ़ाया है, खूब भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले खूब किए हैं, तो उनका कहना ठीक है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार खूब किया, आज उन्हें खाने को नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी खा रही है, तकलीफ़ तो उनको भी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह तुमने घोटाले किए हैं, हम भी तुमसे एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम उससे बढ़ के 4 कदम आगे बढ़कर भ्रष्टाचार और घोटाले करने का काम करेंगे। अच्छा, फ्रांस सरकार द्वारा न्यायिक जांच जो हो रही है, अगर उसमें कुछ चीज़ें खुलकर आती हैं और कमीशनखोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो सत्य पाए जाते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उन पर क्या असर पड़ेगा और उसकी तस्वीर कैसी होगी? देखिए जो आज के हालात हैं, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी मुँह की खाएगी, क्योंकि जितने घोटाले इन्होंने किए हैं, भारत के अंदर घोटाले हुए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़े घोटाले चरम सीमा पर रहे हैं। और देखिएगा आप, ये जो कोरोना काल में जो गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की बात करते थे और उसको पहुंचा नहीं पाए हैं,
केवल कागजों में ये सब सेवाएं सीमित रह गई हैं, सिमट कर रह गई हैं। जनता इसको भली भांति जान चुकी है, पहचान चुकी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को गरीब आदमी देने का काम नहीं करेगा। बीजेपी सरकार कहती थी कि जब पिछली बार राहुल गांधी ने राफेल को लेकर आरोप लगाया था और कमीशनखोरी की बात कही थी, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी सरकार और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफ़ी मांग ली थी। तो इस बात का जोर शोर से प्रसार भी किया गया था कि ये सब आरोप गलत थे, लेकिन अब अगर फंसती नजर आई तो कई जो है वो पर्दे खुल जाएंगे राफेल मामले में। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगी वो उनका एक वक्तव्य गलत हो गया था, क्योंकि राहुल गांधी जी भी राजनीति में थोड़े नए हैं, उनका जो परिवार है वो राजनीतिक रहा है, लेकिन इनकी राजनीति का अनुभव थोड़ा कम है। उन्होंने चौकीदार ही चोर है, मोदी ही चोर है, इस तरह की जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री जी की जो छवि थी उस पर आँच आई और उसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि मान हानि का एक दावा भी उन्होंने उन पर लगाया था, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा कि राफेल में घोटाला नहीं हुआ है। आगे क्या तस्वीर होने वाली है, अगर देखते हैं किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आगे की तस्वीर बिल्कुल साफ है। फ्रांस में जांच हो रही है, फ्रांस से खरीदने वाले जो देश है वो भारत है। भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री, इन सब की भी जांच हो ताकि बिल्कुल साफ साफ स्थिति सामने आए। और आप देखेंगे तेजेंद्र जी कि इसमें कहीं ना कहीं भारत के वो बड़े नेता फंसते हुए नजर आएंगे, उनके चेहरे साफ साफ नकाब उतर के सामने आ जाएंगे कि इन लोगों ने भारत को ही लूटने का काम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यहाँ की जनता ने इनको भारत देश सौंपा था कि ये कुछ भला कर सकें, लेकिन सोने की चिड़िया को इन्होंने आज मिट्टी की चिड़िया भी नहीं छोड़ा, उसको खा गए। तो इस भारत में बहुत बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है इस भ्रष्टाचार का। कि फ्रांस में जांच हो रही है और हलचल जो है वो भूचाल जो है वो भारत की राजनीति में आ गया है। बिल्कुल, जब तूफान आता है तो वो दूर से दिखाई देता है, तो तूफान आने से पहले कमज़ोर आदमी कांपने लगता है। तो भारत के जो नेता हैं वो इस भ्रष्टाचार में ज़्यादा संलिप्त हैं, तो वो कांप रहे हैं कि भाई अगर जांच होती है, उन तीनों के पास से यदि कोई भी जानकारी मिलती है तो यहाँ के जो इस सौदे में उस समय सम्मिलित थे, हस्ताक्षर किए थे, उनकी भी परतें खुलेंगी, उनकी भी कहीं ना कहीं सांसें अटकी हुई हैं और निश्चित रूप से इस पे मुकदमा कायम होकर के इनको जेल जाना पड़ेगा। क्या लगता है कि भारत सरकार को भी इस मामले में जांच करवा देनी चाहिए अगर इस तरह की कोई बात है? देखिए, भारत फ्रांस सरकार की जो जांच आएगी उसके बाद ये कदम उठाया जाएगा शायद। देखिए, भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है, नहीं तो भारत में तो सबसे ज़्यादा मांग उठी थी। लेकिन अब मेरी भारत सरकार से पुनः ये अपील है, ये हमारी मांग है कि इस पर वे स्वतः संज्ञान लेकर के जांच बिठाएं, नहीं तो फ्रांस की जांच रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और भारत जो है अपने आप मजबूर हो जाएगा कि इन पर जांच बिठाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मैं अपील करूंगा कि इसमें स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि जब फ्रांस जैसी कंट्री जिन्होंने राफेल को बेचा है वो जांच बिठा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शक है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो खरीदारों पर भी एक बार जांच होनी चाहिए। भारत देश का पैसा इस तरह लुटते बिखरते इस देश की जनता नहीं देख सकती।